हेलो जी, राम राम सभी ने। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हो गए। और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ। अगर फिर बोलोगे आप कि दर्शन नहीं कराए थे, आज हम सालासर मंदिर गए थे। तो ये सालासर धाम है, ये सालासर धाम की धर्मशाला, सिरसा धर्मशाला जहाँ हम यहाँ रुके थे। देखो ये धर्मशाला है जहाँ हम रात को निकले थे। यहाँ चांदगढ़ से होकर गए थे यहाँ से। और बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है सालासर धाम। और आप भी जाएं दर्शन करने वहाँ सभी। देखो मैं आपको पूरा मंदिर दिखा रही हूँ, धर्मशाला दिखा रही हूँ आपकी। देखो इधर से बहुत बड़ी धर्मशाला है, सिरसा की सबसे बड़ी। देखो मैं आपको चारों तरफ से दिखा देती हूँ। देखो आप भी तो भीड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पूर्णिमा पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। हम पहले चले गए थे और देखते हैं। मैं आपको चारों तरफ से दिखा देती हूँ। ये देखो ये करने के लिए हाथ धोने के बाद फिर आप यहाँ गए लाइन लगी दरबार की, बहुत लंबी लाइन लगी। बोलो 4 किलो मेगा, 4 किलो मेंगड़ी, डंडी मिट्टी सड़ेगा, 21 2 की 1 2 3 4 आलू ले लो, खपड़ी ले लो, पाड़ी कुत्ती कान कटी। ये मैं अच्छे से तो नहीं बना पाई, क्योंकि वहाँ वीडियो बना दूंगी थी, क्योंकि मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। अब हम यहाँ बाजार में आ गए हैं। अब हम जाएंगे अंजनी माता के मंदिर। देखो ये आपका मार्केट है, मेरा राजा मेले में लगते हैं। ये मेरे देवर जी आगे चले हैं, मेरे लड़का उसका लड़का है जो आगे जा रहे हैं। आगे आया ये यहाँ पे देखो बहुत सारी बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई हैं मंदिर में। ये मंदिर है, यहाँ बाजार होता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत भीड़ होती है। भाई मैं पूर्णिमा पर तो देखो यहाँ घूमे फिलहाल 4 दिन के लिए मंदिर बहुत कर रखे हैं। देखो यहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी है। ये देखो अब हम तो दर्शन कर लिए हैं, हमने तो कर लिए हैं। ये वहाँ की मार्केट है। देखो मैं आपको पूरी बाजार दिखा देती हूँ इसी दूर से ही। देखो ये सेवा सदन है, राम रूप सेवा सदन, जींद की धर्मशाला ही है। जींद की धर्मशाला जींद वालों ने बनवाई होगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 1 2 3 जय बाबा तारी जय जयकार। 1 2 3 जय बाबा तारी जय जयकार। अंजनी माता के मंदिर जा रहे हैं। अंजनी माता के मंदिर जो यहाँ से पूरी है, थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा तो नहीं है, पर हम यहाँ से आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ सब ये धर्मशाला है, इधर साइड में भी धर्मशाला है और उधर साइड में भी है। और हम आगे जाते 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 अब अंजनी माता में आपके दर्शन करा देते हैं।
जानकी माता मंदिर है जो अंजनी माता से निकलने के बाद थोड़ी आगे चल के है जो अंजनी जानकी माता का मंदिर। तो यहाँ फिर हमने खाना खाया, दर्शन वर्शन करने के बाद पूरी थी सब्जी थी। और ये मेरे बेटे है, बड़ा सर है। और ये मार्केट है, फिर क्या ले गया मेरी गुड़िया को सामान लेना था, इन्होंने भी ले ली थी। तो मैं पूछ रही इसको क्या लेगी, ले लो। ये देखो छोटी सी दुकान है, तो बड़ी है बस। हाँ भाई शुभ लाल ले ले तेरे। चल आ जा। मार्केट से निकलने के बाद फिर वापस हमें रूम की तरफ चले गए। ये वही राम स्वरूप सेवा सदन आ गया, तो दिन की धर्मशाला सबसे बड़ी। गुड़िया ने कुछ ले लिया, जहाँ हमने कमरा ले रखे ना वहाँ प्रवेश करने। देखो यहाँ कमरा ले रखा था, तो हम बजा रहे हैं। गुड़िया ने लिया एक कुजले और बेटे ने लिया पोंपो बजाने वाला, इसको तो ये अच्छा लग गया। और एक रिंग ली थी गुड़िया ने, ठंडा पानी होता है, मैं उनको पानी मांग रही, प्यास लगी हुई थी मुझे बहुत तेज, ठंडा पानी मांग रही उनसे मैं, इसलिए मेरा देखो आवाज़ भी अच्छी नहीं आ रही आपको, मेरा गला खराब हो गया है। शाही पनीर और रोटी तो गाइस खाना बहुत अच्छा था और बहुत ही टेस्टी था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। सो गाइस ये वो हवेली है जो 1927 में बनी थी, जो सबसे पुरानी हवेली है, ये सुचानगढ़ में। और ये वीडियो अच्छी लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि देखो बार बार बोलना अच्छा लगता है। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर करें। और बस आज की वीडियो यही करती है और मैं ब्लॉग कर दूँगी। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब।